माता पिता ने जिस मुसीबत में जिंदगी गुजारी, क्या आप भी उसी मुसीबतों में जीना चाहते हो? आपके मां बाप को जैसे कष्ट झेलने पड़े, आप भी वही कष्ट झेलना चाहते हो? जो आपके मां बाप को कष्ट झेलने पड़े उसके लिए जिम्मेवार कौन था? देश को बर्बाद करने वाले कौन थे? आजादी का सपना देखने वाले लोगों को उनके सपने अधूरे रह गए, ये पाप करने वाले कौन थे? भाइयों बहनों, देश आजाद हो गया, 65 साल से अधिक समय बीत गया, क्या भाइयों बहनों महात्मा गांधी का अधूरा सपना हमें पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या महात्मा गांधी का अधूरा सपना पूरा करोगे? जो पीछे दूर दूर मिलो दूर खड़े हैं वो भी जरा मुझे बताएं, क्या महात्मा गांधी का अधूरा सपना पूरा होना चाहिए? महात्मा गांधी का अधूरा सपना पूरा होना चाहिए? महात्मा गांधी का सपना था देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, देश को आजादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी को बिखेर दो, ये काम ये इच्छा महात्मा गांधी ने व्यक्त की थी। लेकिन ये कांग्रेस वालों ने महात्मा गांधी की भी नहीं सुनी और कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा कोई जानता था, कांग्रेस को सबसे ज्यादा कोई पहचानता था तो वो महात्मा गांधी पहचानते थे और उन्हें पता था कि आजादी के आंदोलन के लिए कांग्रेस एक सही मंच था, लेकिन देश चलाने के लिए ये लोग काम नहीं आएंगे। और इसलिए गांधी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी को बिखेर दो। आज 65-67 साल के बाद अनुभव से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का एक एक शब्द सच्चा था। अगर महात्मा गांधी के कहने पर अगर कांग्रेस को बिखेर दी गई होती तो देश ऐसा बर्बाद नहीं होता, देश ऐसा लूटता नहीं। भाइयों,